वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लेवर ऑफ शाज। आज मैं आपके साथ रमजान स्पेशल कोफ्ते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। यहाँ पर जो है मैंने आधा किलो बकरे का कीमा लिया है, यह हम अपना बाउल में ट्रांसफर कर देते हैं। इसे जो है मैंने बारीक सा मिक्सी में पीस लिया है। सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ली है, आप अपने तीखे के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ली है और 1 टीस्पून गरम मसाला लिया है। और यहाँ पर जो है मैंने 2 प्याज का बिरिस्ता बना लिया है, यह हम इसमें डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1/2 कप पुदीना लिया है, यह हम इसमें डाल देते हैं। और 1/2 कप हरा धनिया लिया है, इसे बारीक सा काट लिया है, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। और टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। मैंने 1/2 कप रोस्टेड चना दाल ली है, जिसे मैंने इस तरीके से बारीक सा पीस लिया है। चना दाल डालने से जो है हमारे कोफ्ते की बाइटिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लें। कीमे को अच्छी तरीके से अपने मसालों में मिक्स कर लिया है। अब जो है इसमें 2 टेबलस्पून तेल डाल देते हैं। इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब इस तरीके से अच्छे से अपने कीमे को थोड़ा सा अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। हमने अपने कोफ्ते के मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिला लिया है। अब जो है हम नींबू के साइज के इसके बॉल तैयार कर लेते हैं। हल्का सा इस तरीके से प्रेस करते रहेंगे ताकि जो है हमारा कीमा एक जा हो जाए। तो बाद जो है ऐसे राउंड करते हुए अपने कोफ्ते तैयार कर लेते हैं इस तरीके से। आप देख सकते हैं हमने अपने कोफ्ते तैयार कर लिए हैं इस शक्ल में। आप जो है अपने साइज के हिसाब से बड़ा छोटा रख सकते हैं। चलिए अब जो है हम अपनी नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं। देखो फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है जिसमें मैंने तेल डाला है। हमारा तेल जो है काफी अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब एक एक करके जो है हम अपने कोफ्ते को फ्राई सारे कोफ्ते को फ्राई नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, क्यों वरना ये कभी कभी फूट भी जाते हैं। अपने गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरीके से अपने कोफ्तों को फ्राई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से हमारे कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं।
इसे जो फ्राई होने में जो है 8 से 10 मिनट का टाइम लगता है, जिससे जो है हमारे कोफ्ते काफी अच्छी तरीके से अंदर तक पक जाते हैं। यहाँ पर हमारे कोफ्ते आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, हमें ऐसे ही चाहिए। अब हम हमारी फ्लेम को बंद कर देते हैं और अपने कोफ्तों को निकाल देते हैं। यहाँ पर हमारे कितने मजेदार से कोफ्ते बनकर रेडी हो चुके हैं। आप इसे पाव के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो उस तरीके से खाएं, बहुत ही टेस्टी खाने में लगते हैं। और आप इसे जो है रमजान में इफ्तारी के वक्त जरूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। अपना खूब सारा ख्याल रखें।